नमस्कार, मैं आपका भाई नरसी प्रजापत शिवानी। आप देख रहे हो एनपीएस न्यूज। भाई एनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज, कौन बनेगा सरपंच कार्यक्रम के तहत। आज पहुंचे आप ग्राम पंचायत शाडुआ में। ग्राम पंचायत शाडुआ जो है वो एक सभ्य गांव है और भाईचारे का प्रतीक है। तो ग्राम पंचायत शाडुआ से सरपंच पद के उम्मीदवार है आशीष कुमार जी, इनकी धर्मपत्नी है, वो ग्राम पंचायत शाडुआ से सरपंच पद के लिए अपनी ताल ठोक चुकी है। तो आशीष जी अपने साथ मौजूद है, आप इनके विचार लेवांगे, जानांगे भाई किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे, कितना गांव से इनको सहयोग मिल रहा है। आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करियो, हर ग्रुप में डालियो, क्योंकि ग्राम पंचायत शाडुआ से बहुत से दर्शक अपने साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर। तो उनसे मेरा अनुरोध रहेगा, कृपया इस वीडियो को शेयर करके इनके जो विचार है वे हर वोटर तक पहुंचाने का काम करें। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना पूरा नाम बता, हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मेरा नाम अजी आशीष मुंदलिया, गांव शाडुआ से बिलोंग करता हूं मैं। सबसे पहले जी मेरी एनपीएस न्यूज को प्यार भरी राम राम। धन्यवाद आपका। तो आशीष जी, आप चुनाव मैदान में पहली बार उतरे हो या पहले भी कभी आपने राजनीति की है? नहीं जी, अब तो पहली बार उतरे, अपने घर परिवार से पहले कोई नहीं रहा, आप ही पहली बार है। तो जी आपके आपके मन में अब की बार ये क्या जुनून जगा कि अपने को राजनीति में आना चाहिए? जुनून तो कोई मेन कारण तो बस यही है जी, युवाओं का दौर है, युवा शक्ति चाहिए दुनिया को बदलने के लिए। यानी कि आपको साथ मिला छत्तीस बिरादरी का? हाँ बिल्कुल, छत्तीस बिरादरी का साथ है अपना। तो आशीष जी का कहना है कि भाई युवा साथियों ने, छत्तीस बिरादरी के लोगों ने इनको मिलकर चुनाव मैदान में उतारा है। तो जी आप, बात करूंगा विकास कार्यों की, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हो? देखो जी, पहला तो हमारा होगा गांव का स्टेडियम। स्टेडियम के अंदर फुल हाईटेक स्टेडियम होना चाहिए, उसमें जिसमें जिम भी हो, जो हमारे गांव के बालक हैं अलग अलग जगह पर जाकर तैयारी कर रहे हैं, तो उनको वो सुविधाएं गांव के अंदर ही उपलब्ध हो जाएं। तो आशीष जी, बात करूंगा शिक्षा और स्वास्थ्य की। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज हर गांव पिछड़ते हुए जा रहे हैं। अगर आप सरपंच चुन के आते हो तो शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में क्या सख्त कदम उठाएंगे? देखो जी, हमारे गांव में आसपास में सबसे बड़ा सरकारी स्कूल बनाया गया है, जो पीछे हमारे गांव के चेयरमैन थे ब्रह्मदेव जी और हमारी पंचायत ने सब ने मिलकर सहयोग करवाकर और स्कूल बनाया। तो हम कोशिश करेंगे जी अपने स्कूल में मेडिकल नॉन मेडिकल तक के लेके आए, ये हमारा प्रयास रहेगा जी। जी आशीष जी, आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है वो नशे की गर्त में ज्यादा प्रचलन हो गया है, नशे की गर्त में दिखती हुई जा रही है। अगर आप सरपंच सुन के आओगे तो ऐसा क्या प्रावधान लाएंगे आप, जो हमारी युवा पीढ़ी है वो नशे की गर्त में ना जा करके, ना भटक करके, और मतलब उसको किस प्रकार आप निकालने की कोशिश करो? देखो जी, पहले तो खेल का रहेगा, जो बच्चे हैं उनको अच्छा खेल मिलेगा, अलग अलग जो अपने जो जितने भी खेल हैं वो सभी उनको पता चलेगा, भाई हमारे ओलंपिक में कितने कितने खेल हैं। तो बच्चों का रुझान खेल की तरफ जितना होगा तो नशे की तरफ ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ये कोशिश करेंगे जी। और जी अपना चुनाव निशान क्या है, किस चुनाव निशान पे आप चुनाव लड़ रहे हो? हमें मिला जी सिलाई मशीन का। ईवीएम मशीन कौन से नंबर पर आता है? 5 नंबर पे जी। सिलाई मशीन का जो है इनका चुनाव निशान है और ईवीएम मशीन के 5वें नंबर पर आता है। तो कुछ युवा साथी अपने साथ मौजूद है, एक अंकल जी भी है, बुजुर्ग आदमी है, इनसे आप बातचीत करांगे, इनके विचार लेवांगे। राम राम भाई। क्या नाम है? रत्ना गैदिया अग्रम भाई। तो ये आशीष भाई, इनकी धर्मपत्नी अपने गांव से सरपंच पद की उम्मीदवार है, किसे का आदमी है? कौन है ये? ठीक आदमी है, सही है, बिल्कुल। आपने लग गए भाई, सरपंच बन गए तो गांव का विकास करवाओगे? भाई करवाओगे, क्यों नहीं करवाओगे, गांव का भाई है, गांव का माहौल है, ठीक से है। तो गांव का आशीर्वाद कितना मिले लोग? भाई आशीर्वाद का तो आज का ले कोई पक्का पता ही नहीं देता। कोई बात नहीं, कुछ युवा साथी है इनके विचार ले आओगे अपन, कोई बात नहीं। सारे राम राम भाई। राम राम भाई। क्या नाम है जी? संदीप। तो जी आशीष जी है जो इनकी धर्मपत्नी है, जो सरपंच पद की उम्मीदवार है, किस प्रवृत्ति के व्यक्ति है? अच्छे व्यक्ति हैं जी पूरे। गांव से कितना सहयोग है, समर्थन मिल रहा है? फुल सपोर्ट है गांव में। युवा साथियों में कितना सहयोग है? युवा का ज्यादा है, फुल सपोर्ट है। आपको लगता है अगर ये गांव के सरपंच बन के आते हैं तो गांव को विकास के सतर पर ऊपर तक ले जाएंगे? बिल्कुल। क्या नाम है? कैसे का आदमी है? बहुत बढ़िया भाई। हाँ जी, गाँव के लिए क्या कर, पहले भी कोई समाज सेवा कार्य किए हैं इन्होंने गाँव में? बस जी चलते रहो, युवा से तो देख लो आप भी, सारे युवा इकट्ठे हो रहे हैं, इतने आ रहे हैं, युवा पूरा समर्थन है भाई गांव का। और गांव से कितना समर्थन मिल रहा है भाई? अब तक तो बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है। आपको लगता है अगर ये सरपंच बन जाए तो गांव का अच्छा विकास कराएंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल। भाई युवा साथियों की राय थी, बुजुर्गों की अपने राय ली, आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करके हर ग्रुप पर डालें ताकि इनके जो विचार है वो आम पब्लिक तक पहुंच सके। तो वही क्या की देर कर दो वीडियो ने शेयर, अगली वीडियो मिलेंगे फिर। एनपीएस न्यूज के लिए कैमरामैन सतीश वर्मा के साथ ग्राम पंचायत शाडुआ से नरसिंह प्रजापत की रिपोर्ट।